नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। तैयारी तो सभी लोग करते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो स्मार्ट तरीके से तैयारी और श्याम क्लास स्टडी YouTube चैनल पर डेली GK GS और हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेकर के आए हूँ जी के जी एस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले UPSC परीक्षा जिसका एग्जाम दिसंबर 2023 में होने वाला है उसके लिए मैं आपको 37 प्रश्न कराने वाला हूँ। अगर आप सभी लोग हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके अगर सभी को लगा लेता तो निश्चित ही आपका जी के जी एस में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आप हमारी वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, तो ये सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग होता है विकासशील देश के लिए। किसके लिए? विकासशील देश के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है। तो किस देश के बीच से गुजरती है ग्रीनविच देशांतर रेखा, तो ये गुजरती है इंग्लैंड के बीच से। किसके? इंग्लैंड के बीच से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की टाइटेनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी। तो कौन मुख्य अभिनेत्री थी टाइटेनिक मूवी में, तो ये थी केंट विंसलेट। कौन सी? केंट विंसलेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की भारत के किन दो नेता का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो किन दो नेताओं का जन्मदिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ये आपको बताना। तो मनाया जाता है महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी, तो कहां पर है, तो ये तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था दीन ए इलाही की स्थापना, तो ये स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है आधुनिक हिंदी का जनक, ये आपको बताना है। तो आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था। तो कौन था भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, तो ये था सिद्धार्थ। कौन सा? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है। तो किसका दान किया जाता है जब हम नेत्रदान करते हैं, तो ये किया जाता है कॉर्निया का। किसका? कॉर्निया का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है पत्तियों का हरा रंग, तो ये होता है क्लोरोपिल के कारण। किसके? क्लोरोपिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है। तो किस अंग से है ट्रोकोमा बीमारी का संबंध, तो इसका संबंध है आँख से। किससे? आँख से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुखाम किससे होता है, तो किससे होता है जुखाम, ये आपको बताना है। तो जुखाम का संबंध है वायरस से। किससे? वायरस से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तपेदिक किससे होता है, यानी टीबी किससे होता है, ये आपको बताना है।
तो किससे टीबी फैलता है? तो टीबी फैलता है बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भविष्य का ईंधन, ये आपको बताना है। तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। किसे? हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, ये आपको बताना है। तो सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे ख्वाजा मुजनुद्दीन चिश्ती। कौन? ख्वाजा मुजनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर निर्माण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर रुधिर का निर्माण होता है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था चीन के दीवार का निर्माण? तो इसका निर्माण करवाया था सी ह्वांग टी ने। किसने? सी ह्वांग टी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो कौन है द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक है नेल्सन मंडेला। कौन? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान? तो ये देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया था गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन, ये आपको बताना। तो ये किया गया था बेलग्रेड में। कहाँ पर? बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण? तो ये करवाया था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है फलों के रस में? तो ये पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल फलों के रस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी रेड क्रॉस की स्थापना? तो ये की थी हेनरी ड्यूनांट ने। किसने? हेनरी ड्यूनांट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किससे संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी अष्ट प्रधानमंत्री परिषद? तो इसका संबंध था शिवाजी से। किससे? शिवाजी से इसका संबंध था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? तो किससे है स्कर्वी रोग का संबंध? तो इसका संबंध है मसूड़ा से। किससे? मसूड़ा से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है पोलियो रोग? तो ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। किसे करता है? तंत्रिका तंत्र को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इन दो ऑप्शन में आपको बताना है कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी मुगल काल में सरकारी भाषा, यानी जिसमें सारे सरकारी कार्य किए जाते? तो ये सरकारी भाषा थी फारसी। कौन सी? फारसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मधुशाला के रचयिता कौन है?
तो किसके द्वारा मधुशाला लिखी गई थी? तो इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन से? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी प्राकृतिक स्रोत आपको बताने कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। किस में? खट्टे फलों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो किसके सहयोग से की गई थी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो किसके अपर रूप हैं हीरा तथा ग्रेफाइट? तो ये हैं कार्बन। किसके? कार्बन के अपर रूप हैं हीरा तथा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया, यानी किस देश के सहयोग से दुर्गापुर में स्टील प्लांट लगा था? तो ये लगा था ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है फिल्म प्रशिक्षण संस्थान ये आपको बताना है। तो ये है पुणे में। कहाँ पर? पुणे में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है कहलाता है। तो कौन सी शाखा है जो जीव और वातावरण के बीच संबंध स्थापित करती है? तो ये है पारिस्थितिकी। कौन सी? पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 37 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और आपने इस पूरे प्रैक्टिस सेट को ईमानदारी से लगाया, ये मुझे आपसे उम्मीद है। तो अब आपको बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।